मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर धनतेरस पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, लिखा माँ लक्ष्मी की कृपा से शांति सुख समृद्धि हो, धन धान्य का वास हो, यही प्रार्थना है। ये पावन पर्व सभी के लिए मंगलकारी हो। प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव से पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या को कई बड़ी सौगात दी। कैबिनेट की बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का होगा गठन, साथ ही अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का भी गठन होगा। इटावा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में भाजपा की जीत तय, इंडिया पर साधा निशाना। यूपी में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक टीवी मुक्त बनाने के लिए चलेगा अभियान। अभियान के माध्यम से टीवी मरीजों की होगी खोज, घर घर जाकर टीवी मरीजों की स्क्रीनिंग होगी, पुष्टि होने पर मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी हुए निर्देश। अयोध्या भूमि पूजन, ध्वजारोहण एवं रथ यात्रा का शुभारंभ आज 11 बजे होगा। भक्तमाली आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे, साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। विवाद से जुड़े सभी केसों की मांगी जानकारी, मुस्लिम पक्ष के सभी केस दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग। गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास देर रात बस में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। कुशीनगर जा रही खड़ी बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हुए। हादसे में हुई जानहानि पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, धमकी के बाद से स्टेशन पर अलर्ट जारी। डॉग स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। स्टेशन पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग की, कोई भी संदिग्ध वस्तु जीआरपी आरपीएफ को नहीं मिली। बस्ती में लक्ष्मी जी की प्रतिमा ले जाते समय हुआ विवाद, 2 समुदाय के लोग हुए आमने सामने, उड़ाया गया गुलाल मस्जिद में पड़ने से हुआ विवाद, दोनों समुदाय के बीच चली लाठी डंडे ईंट पत्थर, दोनों पक्षों से कई लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती, सूचना पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। त्योहार पर दिल्ली समेत 5 प्रमुख रूटों पर रोडवेज बसें लगाएंगे अतिरिक्त फेरे, दिल्ली बरेली रूट पर बसों के 57 फेरे बढ़ाए गए, हालांकि 32 बसें ही आनंद विहार तक जाएंगी। बरेली कौसाम्बी के बीच बसें रोजाना 313 फेरे लगाएंगे। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न